मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के नाक के नीचे ही दिन भर मुंब्रा की सड़कों पर मिट्टी और पत्थर भर के धड़ल्ले से डंपर दिन भर चल रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज एक बुजुर्ग व्यक्ति जो स्कूटी से जा रहा था वो डंपर की चपेट में आ गया और डंपर की चपेट में आने की वजह से इस बुजुर्ग व्यक्ति का एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। इस बुजुर्ग व्यक्ति के पैर की हालत बेहद ही खराब हो गई है। ये डंपर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के तरफ से आ रहा था और एमएम वली जाने वाले रास्ते पर ये डंपर जैसे ही मुड़ा वैसे ही इस बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम जायर रिजवी है, ये स्कूटी से जा रहे थे और डंपर की चपेट में आ गए। जायर रिजवी मुंब्रा के अमृत नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो डेकोरेशन की लाइट वगैरह लेकर स्कूटी पे जा रहे थे। हालांकि हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और इस डंपर के ड्राइवर विजय सिंह को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि घायल अवस्था में जायर रिजवी को प्राइम हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। बहरहाल आज हुए इस डंपर के हादसे में जायर रिजवी की जान तो भले ही बच गई है, मगर सवाल उठता है कि जिस तरह से मुंब्रा की सड़कों पर मिट्टी पत्थर भर के दिन भर ये डंपर चल रहे हैं, अगर इस डंपर की वजह से हादसा हुआ और किसी की जान गई तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग बिना हेलमेट बिना लाइसेंस चार सीट ऑटो रिक्शा वालों पर जमकर कार्रवाई करती है, कार्रवाई भी करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मगर इस तरह के दिन भर जो पत्थर मिट्टी भर कर डंपर मुंब्रा की सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रैफिक विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आज मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास एमएम वली जाने वाले रास्ते पर डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार जायर रिजवी आ गए और उनका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। डंपरों की वजह से अगर ऐसे हादसे होते हैं और उसमें आखिर जान जाती है तो ज़रा सोचिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप भी देखें आज हुए हादसे की ये वीडियो। सेट को मिले तेरे को बुला अरे चाचा अपना बात है।